हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंदन और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लम्बिंग टिप्स, जहां पे मैं आपको दूंगा टिप्स रिलेटेड टू प्लम्बिंग। सो आज का मेरा वीडियो है कि आपका जो पुराना लॉक होता है, उसका जो मेन सिलेंडर रहता है, वो अगर बिगड़ गया हो या कोई चाबी खो गई और आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आप जो वीडियो में देख सकते हो, अभी जो मैंने एक स्क्रू निकाला और उसके बाद मैं जो सिलेंडर निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, तो जस्ट उसका जो अभी मैंने वो जो स्क्रू निकाला उसके ऊपर ये वो पूरा टिका हुआ होता है। और जैसे ही आप स्क्रू निकालोगे वो पूरा प्ले होना चालू हो जाएगा जो सिलेंडर इसका आता है, और उसको हल्के से थोड़ा सा उसको साइड में सेट करके और ऊपर नीचे करके उसको आप सिंपली निकाल सकते हो। जैसे ये निकल गया और दिस इज़ कॉल्ड सिलेंडर, और ये इसकी एक चाबी खो गई है, उसके लिए कस्टमर चाहता है कि उसको रिप्लेस कर दे, सो किसी के हाथ वो पुरानी की लगे नहीं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि 60 mm का लगेगा और 70 mm का सिलेंडर लगेगा, क्योंकि उसमें दो साइज़ अलग अलग आती है, 60 mm और 70 mm। दोनों की थिकनेस सेम रहती है बट लेंथ में उसमें 10 mm का डिफरेंस रहता है। तो अगर 60 mm वाला सेट ना होता हो तो उसके बाद आपको 70 mm लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब 60 mm का लगाने का ट्राई किया तो उसमें आगे की साइड पूरा 0-0 जो अपने बोलते हैं लेवल, वो नहीं आ रहा था। उसके लिए मैंने उसको रिप्लेस किया 70 mm से। और दोनों की साइज़ तो सेम ही रहती है, जैसे मैं बताया कि थिकनेस सेम ही रहेगी, पर उसका जस्ट लेंथ प्लस माइनस होगी। तो ये 70 mm का है और 70 mm का मैं लगा के, और लास्ट में आपने जो मैंने स्क्रू निकाला था वो सिंपली उसके ऊपर फिट करना रहता है और इजीली वो सेट हो जाएगा और आपका लॉक पूरा नया। और चाबी भी अगर खो गई हो तो वो भी आप पुरानी चाबी भूल जाओ, उसके जगह यहाँ पे नई चाबी मिल जाएगी। सो पूरा ये एडजस्ट हो गया है, और इसको जस्ट स्क्रू लगाने से पहले आपको एक बार उसको चेक करना चाहिए कि ये सही लगा है कि नहीं, क्योंकि उसमें जो स्क्रू का अंदर की साइड जो उसके थ्रेड आते हैं तो वो एग्जैक्ट आपके यहाँ दरवाजे में सेट होने चाहिए, उसके बाद ही आप उसका जो भी स्क्रू है वगैरह वो फिट कर सकते हो, नहीं तो वो सेट ही नहीं होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा सेट तो हो गया है, बट मैं उसके ऊपर पहले स्क्रू डालूंगा और उसके बाद उसको थोड़ा अंदर बार करके एग्जैक्ट वो होल के अंदर वो स्क्रू डालने की कोशिश करूँगा। जैसे उसके लिए सिंपली एक ही टूल चाहिए, अपना स्क्रू ड्राइवर प्लस वाला जो स्क्रू ड्राइवर आता है वही चाहिए। और ये इजीली देख सकते हो आपके सामने होल में वो सेट हो गया, और अभी ये लॉक हो गया ना आपका। ये पूरा लॉक का सिस्टम ये सिलेंडर के ऊपर ही टिका हुआ होता है। सो सिंपली इन जस्ट 2 मिनट वी कैन रिप्लेस अवर लॉकिंग सिस्टम विदाउट आस्किंग फॉर एनी कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर की अभी बहुत मगजमारी चलती है, वो टाइम पे आते ही नहीं है। सो 2 मिनट में आप ये लॉक चेंज कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज मेरा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।